वॉशिंग मशीन का जो डेमो था उसके लिए अंकल आ गए हैं, तो अभी वो दिखाएंगे किस तरह यूज़ है। तो आप गौर से ये वीडियो भी देखना है, तो आपके घर भी वॉशिंग मशीन इसका वर्लपूल का तो आपको भी वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, चलो चलो वंदना। अभी जो अभी आपका 7 kg का मशीन है, ओके, मतलब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 कपड़े डाल सकते हो। कंपनी इसमें 15 कपड़े बताती है, लेकिन आप इसमें 12 कपड़े डालना, क्योंकि जितना भी कंपनी बताती है उससे थोड़े आपको कम डालना है, क्योंकि वेट के हिसाब से इसमें कपड़े आपके 7 kg के, मतलब अगर एक जीन्स डाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो एक जीन्स के आपको 2 कपड़े गिनना है उसमें, क्योंकि वो वेट पानी भीगने के बाद उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए आपको एक जीन्स के 2 कपड़े गिनना है। अगर बेडशीट डाल रहे हो सिंगल बेड का, तो एक बेडशीट के आपको 3 कपड़े गिनना है, और अगर डबल बेड का बेडशीट डाल रहे हो तो एक बेडशीट के आपको उसके 4 कपड़े, ठीक है। नॉर्मल कॉटन के सस्पेंड है तो वो 2 आप डाल सकते हो। ऐसे आपको 15 कपड़े डालना है एक राउंड, एक उस साइड पर डालना है और फिर एक इस साइड पे, दोनों साइड पर डालना है, ठीक है। उसके हिसाब से क्या वेट आपका चारों साइड पे इक्वल रहेगा। फिर यहाँ पर आपको डिटर्जेंट डालना है, और लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो इस साइड पर डालना है, ठीक। फिर इसको बंद कर देना है, फिर आपको टैप ऑन करना है। टैप ऑन करने के बाद यहाँ से इसको फर्स्ट पावर ऑन करना है, हाँ। जैसे ही आप पावर ऑन करोगे तो P1 आएगा प्रोग्राम डिस्प्ले पर, यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। P1 है नॉर्मल, मतलब रोज के जो कपड़े आप डाल रहे हो वो P1 के अंदर आएंगे। अब P1 आपको चेंज करना है प्रोग्रामिंग, तो ये प्रोग्राम बटन है, इसको यहाँ से आप प्रेस करोगे तो प्रोग्रामिंग आएगा P2 हैवी। रोज़ के कपड़े जो आप ज़्यादा गंदे होते हैं उसके लिए आपको P2 ले सकते हो, या फिर हैवी कपड़े आपको डालना है बेडशीट वगैरह तो उसके लिए ये P2 भी आप यूज़ कर सकते हो। P3 डेलिकेट कपड़ों के लिए, वर्क वाली साड़ी है, वर्क वाली ड्रेसेस है, या जो पतले कपड़े होते हैं आपके, जो आप डेलिकेट में धो सकते हो। फिर प्रोग्राम बटन प्रेस करोगे, 4 आएगा वाइट्स, सिर्फ वाइट्स कपड़े आपको वॉश करना है उसके लिए। P5 है स्टेन वॉश, डागे वाले कपड़े, चाक, कॉफी, ऑयल, सोसिस, वो आपको कपड़े वॉश करना है तो P5 आपको वॉश करना है। P6 है इको वॉश, नए जो कपड़े होते हैं लॉन्ड्री के, हाँ। उसके लिए आपको इको वॉश यूज़ कर सकते हो। P7 वुलन्स कपड़ों के लिए, स्वेटर, शॉल, जैकेट है, हाँ। तो आपको P7 में करना है। P8 बेडशीट के लिए, मतलब बेडशीट के लिए कर्टन्स वगैरह, वो आप इसमें भी दे सकते हो। P1 से लेके P8 वो बेसिक फंक्शन है, इसमें वॉश, सॉक, रिंस और ड्राई वो कंपलसरी होगा। P9 है जींस प्लस ड्राई, मतलब आपको वॉश नहीं करना है, धोना नहीं है, सिर्फ निचोना और सुखाना ही है, तो P9 आपको। P9 हाँ। P10 है ड्राई ओनली, मतलब सिर्फ आपको ड्राई करना है, सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए, तो P10 फंक्शन लेना है। P11 है वॉश ओनली, मतलब सिर्फ आपको वॉश करना है तो आपको P11 करना है। और P12 है एक्वा स्टोर, मतलब पानी आपको सिर्फ स्टोर करके रखना है, यहाँ पर आपको पानी की दिक्कत हो रही है तो आप इसमें स्टोर करके भी रख सकते हो। वापस P1 फंक्शन आ जाएगा, मतलब ऑन पावर से यहाँ मशीन ऑन होगा, और ये प्रोग्राम बटन से ये सभी प्रोग्राम चेंज हो गए। फिर ये एक्सप्रेस वॉश है, मतलब आपको कपड़े जल्दी से धोना है, मतलब शॉकिंग बाहर से आप कपड़े भिगो के डाल रहे हो तो आपको एक्सप्रेस वॉश करना है, या फिर ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं है, नॉर्मल है तो एक्सप्रेस वॉश यूज़ कर सकते हो। ये वाटर लेवल का फंक्शन है, इसमें बाय डिफॉल्ट वो ऑटो पर रहता है, मतलब आप जो कपड़े इसमें वॉश करने के लिए तो उसके हिसाब से ही पानी के हिसाब से ऑटोमेटिक पानी सेंस कर लेगा। और मैनुअल देना है तो लो आता है आपका 4 कपड़ों के लिए, मीडियम आता है 8 कपड़ों के लिए, ये हाई आता है 12 के लिए, और मैक्सिमम 15 के लिए, 4, 8, 12 और 15। फॉलो रख रहे हो तो वो वेट के हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा। ये वाला है हार्ड वाटर, मतलब यहाँ पर आपके यहाँ पर हार्ड वाटर आता है तो आप इसमें हार्ड वाटर सिलेक्ट कर सकते हो। और ये है डिले वॉश, मतलब मशीन आपको भी स्टार्ट नहीं करना है अभी से 3 घंटे, उसमें स्टार्टिंग टाइमिंग 3 घंटे से होता है, मतलब 3 घंटे से वो स्टार्ट होगा, अब 24 आवर्स तक उसको डिले कर सकते हो। मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी से आपको 11 घंटे के बाद मशीन स्टार्ट करना है, यहाँ पर L1 लेके आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, तो अभी से 11 घंटे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक आपको नॉर्मल वही वॉश करना है तो कपड़े डाल देना है, डिटर्जेंट ऑन कर देना है, टैप ऑन, स्विच ऑन, यहाँ से फर्स्ट पावर ऑन, और फिर P1 नॉर्मल पे ही वॉश करना है, नॉर्मल आपको स्टार्ट करना है, पावर और स्टार्ट, वो बेसिक है, इसमें वॉश, सॉफ्ट, पिंस और ड्राई ऑटोमेटिक हो जाएगा, करना कुछ नहीं। तो उसमें टाइमर आएगा, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वेट के हिसाब से सेंस कर लेगा उसका पानी भी प्लस टाइमिंग भी। और ये हार्ड वाटर का क्या? हार्ड वाटर मतलब ज़्यादा हाई TDS पानी जो आता है उसके लिए आता है। अच्छा, चार वाला जो पानी आता है ना, हाँ, ओके डन।
पहले वो घूमेगा, मतलब आपने जो अंदर कपड़े डाले वाटर लेवल, वाटर लेवल ऑटोमेटिक वो कपड़े डाले तो वो घूमेगा और उसका वेट जो है वो सेंस करेगा, फिर यहाँ पर डिटर्जेंट बताएगा 1 कप बाई 2 कप, और फिर उसमें ऑटोमेटिक टाइमिंग आ जाएगा 30 मिनट, जो 4 फंक्शन का टाइमिंग वो सब होने के बाद वॉश सॉप रिंस और ड्राई इतने 33 मिनट में हो जाएगा। इसमें पानी जो भर रहा है उसका टाइमिंग इसमें ऐड नहीं है, हाँ। दो बार मशीन पानी लेता है, एक बार वॉश के लिए लेगा और एक बार रिंस के लिए लेगा, निचोड़ने के जितना भी प्रोग्राम टाइमिंग लेता है उसे 10 मिनट मशीन ज़्यादा चल रहा है। ओके ठीक है, फंक्शन खत्म हो जाने के बाद वो बजर करेगा 30 सेकंड के लिए, ओके एनडी लिखा हुआ है तो स्विच ऑफ करके कपड़े, ओके डन डन, ठीक है हाँ।